हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इजी डिजाइन लेकर आई हूँ। देखिए, ये डिजाइन आप लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, बेबी स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक, ब्लैंकेट किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। देखिए, बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा ये डिजाइन। सिर्फ 4 रोज का डिजाइन है, आपको 4 रो रिपीट करते जाना है, 1 से 4 रो तक ही। देखिए, इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 6 + 2 एक्स्ट्रा स्टिच प्लस 2 एज स्टिच में फंदा लेना होगा। मल्टीपल ऑफ 6 + 2 + 2। देखिए, रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है ये डिजाइन। आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है, रो 1 आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। देखिए, इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 6 2 × 6 12 + 2 एक्स्ट्रा स्टिच प्लस 2 एज स्टिच करके टोटल 16 फंदा डाला है। देखिए, रो 1 स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। रो 1 में आपको राइट साइड सब सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करना है। देखिए, रो 1 आपको सब सीधा बुन के कंप्लीट करना है। रो 1 कंप्लीट कर लिया है, अब रो 2 रॉन्ग साइड सब आपको देखिए सब उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। रो 2 भी कंप्लीट कर लिया है, अब देखिए रो 3 राइट साइड। रो 3 में आपको देखिए डिजाइन बनाना है, एज स्टिच स्लिप करना है, फिर देखिए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। अब यहाँ से फर्स्ट में धागा आगे करके 2 फंदा उल्टा बुनना है, 1 2, फिर धागा पीछे। अब यहाँ पर आपको देखिए 2 फंदा ट्विस्ट करना है आगे की साइड से, ये 2 फंदा ट्विस्ट करना है आगे की साइड से। राइट नीडल से आपको देखिए सेकेंड स्टिच को लेना है, फिर पीछे से आपको फर्स्ट स्टिच को लेफ्ट नीडल पे आपको इसे क्रॉस करना है, इसे ट्विस्ट करना है, फिर ये 2 फंदा आप सीधा बुनना है, 1 2। देखिए, अब ये 2 फंदा ट्विस्ट करना है बैक साइड से। राइट नीडल से आपको देखिए सेकेंड स्टिच को लेना है पीछे से, फिर आगे से आपको फर्स्ट स्टिच को लेफ्ट नीडल पे लेना है इसे, फिर ये 2 फंदा आप सीधा बुनना है, 1 2। अब आपको ये रिपीट करना है, देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर 2 फंदा उल्टा, 2 फंदा ट्विस्ट करना है आगे की साइड से, फिर 2 फंदा ट्विस्ट करना है पीछे की साइड से। अब यही रिपीट करते जाना है, फिर से रिपीट धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे, देखिए 2 फंदा ट्विस्ट करना है आगे की साइड से, ये 2 फंदा, फिर इस 2 फंदा को सीधा बुनना है, 1 2। अब ये 2 फंदा भी ट्विस्ट करना है पीछे की साइड से, फिर ये 2 फंदा भी सीधा बुनना है, 1 2। देखिए, 2 डिजाइन कंप्लीट हुआ है स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए लास्ट में आपको 3 फंदा बचेगा धागा आगे, 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर धागा पीछे एज स्टिच आपको सीधा बुनना है। अब देखिए रो 3 कंप्लीट कर लिया है, रो 4 रॉन्ग साइड, लास्ट रो आपको देखिए एज स्टिच स्लिप करना है, फिर देखिए रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे 2 फंदा सीधा, 1 2, फिर धागा आगे 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4। अब आपको ये रिपीट करते जाना है, देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर 2 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा। अब ये रिपीट करते जाना है फिर से, धागा पीछे 2 फंदा सीधा, 4 फंदा उल्टा,
एक दो तीन चार। देखिए दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है, स्लिप फंदा को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए लास्ट में आपको तीन फंदा बचेगा धागा पीछे, सॉरी दो फंदा सीधा एज स्टिच उल्टा बुनना है लास्ट के तीन फंदे का। अब आपको ये रिपीट करते जाना है, देखिए यहाँ तक। देखिए फिर से यहाँ से आपको ये रिपीट करते जाना है वन से फोर रो तक ही। देखिए रो फोर में आपको ऐसा डिजाइन आएगा, देखिए लास्ट में आपको ऐसा डिजाइन आएगा। आपको आपको वन से फोर रो तक ही रिपीट करते जाना है। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।